ये सर्कल है, मान लेते हैं जनरल इक्वेशन ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और सेंटर है एक्स वन कॉमा वाई वन। यहाँ से हमने टेंजेंट डाली है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, मान लो ये पी पॉइंट है, ये टी है, हमें लेंथ ऑफ पी टी निकालना है। तो ये सेंटर मान लेते हैं ओ सेंटर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट, इसका सेंटर क्या है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, हमें ये निकालना है। तो मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, अरे दोनों की लेंथ सेम होगी, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है एक्सटर्नल पॉइंट से कॉन्टेक्ट पॉइंट तक की लेंथ को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं सर्कल के लिए। तो यहां पर कैसे निकाला है, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लाइन डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगी, ये रेडियस है, ठीक है, ये आर है, ये ओपी हो गया, तो हम कहेंगे पी टी स्क्वायर, ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है। तो पी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो रूट लगा दिया, तो पी टी इक्वल टू रूट अंडर ओपी स्क्वायर। ओपी स्क्वायर क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला विदाउट रूट, क्योंकि स्क्वायर है, क्या हो गया, एक्स वन प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई वन प्लस एफ होल स्क्वायर माइनस आर, आर स्क्वायर, रेडियस क्या होती है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो स्क्वायर है तो विदाउट रूट इट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स वन स्क्वायर, पहले मैं एक्स वन वाई वन लिख रहा हूँ, वाई वन स्क्वायर, फिर टू जी एक्स वन, इसमें टू एफ वाई वन, और प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी, ये कट गया, तो ये ऐसा आ गया, एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी, और ये क्या होता था, ये रूट एस वन आ गया। तो लेंथ ऑफ, मतलब ये है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कभी भी आपको निकालनी है तो जो पॉइंट दिया है उसे डायरेक्टली सर्कल में सेटिस्फाई करा के रूट लगा दो, इट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ऐसे लेंथ ऑफ टेंजेंट अपन निकाल सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, ठीक है। तो इस पर हम केस बनाते हैं, ये मैं अलग से पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 20 साल में ऐसे, मतलब नहीं ये पढ़ाता हूँ लेकिन क्या उसके साथ ही बता दिया, क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर देते हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसी में समझा देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं जेई मेंस में देखा हूँ दो साल से, जब से लॉकडाउन लगा है तब से दो तीन साल से क्वेश्चन आए हैं कहीं ना कहीं इस पर बेस, तो पता होना चाहिए, थोड़ा डिटेल में जाते हैं ब्रीफ करने के बजाय। पी पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, ये पॉइंट हो गया सपोज ए एंड बी, सेंटर दिया हुआ है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है। तो कितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो सारा देखते हैं। पहला लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये हमने देखी ली। दूसरा एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, तीसरा लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, ए बी की लेंथ पूछ ले, ठीक है। चौथा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, पी ए बी का एरिया पूछ ले, ठीक है, अरे सारी पॉसिबिलिटी सोचते हैं। पांचवा सर्कल
सरकम स्क्राइब द ट्राइंगल पी ए बी, जो इन तीनों पॉइंट से पास हो गया, एक सर्कल जा रहा होगा उसकी इक्वेशन पी ए बी से पास हो रहा होगा। तो ये वैरायटी है जो पूछी जा सकती है। अब हम एक एक करके तो समझते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लें जो हम करने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आए कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बीच में जब मैं थर्ड सेकंड थर्ड पे होऊंगा तो कोई ना कोई मुझसे जरूर पूछेगा, सर इसके बाद ये हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो आप भूल जाओगे, इसलिए पहले पढ़ लो कि हम क्या निकालने वाले हैं और क्यों निकाल रहे हैं, और डायग्राम देख के समझते जाओ। तीन पॉइंट से होके एक ही सर्कल जाता है, तो तीन पॉइंट है हमारे पास पी ए और बी। जब भी एक्सटर्नल पॉइंट होगा दो टेंजेंट डलेंगी, और दोनों टेंजेंट होंगी, अगर वो टेंजेंट है तो दो पॉइंट पे टच करेंगी, तो वो दो पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट से होके जो सर्कल जाएगा उसकी इक्वेशन निकालने को बोल देता है, ठीक है। मैंने तो कई बार देखा है कि पूछा गया है, मतलब हो सकता है पिछले साल पूछा गया, इस साल पूछा गया, और या उसके पहले पूछा गया। हाँ, ट्राइंगल ट्राइंगल बन रहा होगा ना, ट्राइंगल पी ए बी, उसका ट्राइंगल का एरिया पूछ सकता है। अगर अगर हम ओ बोल दें, हो सकता है ओ ए बी का एरिया पूछ ले। हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, हो सकता है ये वाला एंगल पूछ ले कि ये जो कॉर्ड है वो कितना एंगल सबस्टेंड कर रही है सेंटर पे। फाइंड द एंगल सबस्टेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी ऑन सेंटर ऑफ द सर्कल, तो बहुत आसान है वो तो, क्योंकि अगर हम परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है तो इसमें भी 180 होगा, क्योंकि टोटल 260 होता है, 360 होता है। तो ये एंगल अगर हमने निकाल लिया तो उसमें 180 माइनस करके लिख देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा भाई। अगर उधर का 30 आ गया तो ये 150 हो गया, तो निकल आएगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, मतलब अगर हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया तो इस क्वाड्रिलेटरल में से ये वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना बहुत आसान है। क्यों आसान है? ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और ये सेंटर से कॉर्ड है, परपेंडिकुलर डालेंगे इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, है ना। तो अगर हमने इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना बहुत आसान है। क्यों आसान है? ये क्या है? ये रेडियस है। ये क्या है? ये रूट एस वन है। अरे अभी हमने निकाल ही लिया, ये रूट एस वन होती है। और ये निकालना बहुत आसान है, पॉइंट दिया होगा, सर्कल दिया होगा, पॉइंट पुट करो, रूट लगाओ, लेंथ आ गई। तो अगर मुझे ये पता है, ये पता है, तो हाफ बेस इनटू आई से ट्राइंगल निकल गया, इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ट्राइंगल पी बी ओ का ट्राइंग एरिया आ जाएगा। उसको ट्वाइस कर देंगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। और अगर हमने ये ट्राइंगल निकाला हुआ है ऑलरेडी, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल में से ये वाला ट्राइंगल माइनस करेंगे तो ये वाला ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती, ठीक है, वो खुद भी सोचना पड़ेगा कौन सा कैसे। और इसका कोई परफेक्ट फॉर्मूले नहीं है, ठीक है, और है भी तो इतने गंदे हैं कि कोई मतलब नहीं है उन्हें याद करने का। तो मैं शुरुआत करता हूँ, एंगल बिटवीन दी टेंजेंट, सब लोग ध्यान दें, एंगल बिटवीन दी टेंजेंट कैसे निकालते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से बता रहा हूँ, हमारे पास दो मेथड हैं इसे निकालने के, मैं दोनों मेथड से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, फर्स्ट तो हो गया, फर्स्ट में नहीं बता रहा हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट हम निकालना जानते हैं, ठीक है। हम सेकंड वाला देखते हैं, एंगल बिटवीन। तो इसका फर्स्ट मेथड क्या, हमें ये थीटा निकालना है। अगर ये थीटा निकालना है तो ये टू थीटा निकल जाएगा, पूरा एंगल वही निकालना है। तो हमने थीटा निकाला तो मैं कहूँगा व्हाट इज टेन थीटा, इट इज आर वाई रूट एस वन, परपेंडिकुलर है ना ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई, उससे थीटा आ गया, थीटा आ गया, टू थीटा निकाल देंगे। और मान लो, ऐसा मान लेते हैं कि टेन थीटा कुछ गंदा सा आया जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो फिर हमें टू थीटा चाहिए, तो निकालना मुश्किल हो गया। तो हम क्या करेंगे, टेन टू थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो भाई हमें टेन थीटा तो पता है ना, वो पुट कर देंगे, उससे कुछ सिंप्लीफाई आ जाएगा, तो उससे टू थीटा का एंगल आ जाएगा। अरे बुरे से बुरा यही हो सकता है ना कि टेन थीटा की वैल्यू गंदी सी आ गई, वन बाय रूट थ्री, रूट थ्री वन नहीं आई, ऐसा कुछ आ गया, रूट थ्री बाय फाइव आ गया, तो
तो वो हम पुट कर देंगे, कुछ ना कुछ करके निकल ही आए, और फिर टेन इनवर्स लगा देंगे तो डायरेक्ट टू थीटा मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आपने स्लोप एम मान के लाइन की इक्वेशन निकाली जो अपन करते थे, कुछ याद है? ठीक है, ये हो गया एम एक्स माइनस वाई माइनस एम एक्स वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दी, एम माइनस जी प्लस एफ माइनस एम एक्स वन प्लस वाई वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू रेडियस जो भी है आर, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगी? रेडियस के। ठीक है, तो यहां पर हमें एम, हमें आर पता है, एक्स वन वाई वन पता है, एफ और जी सब पता है, केवल एम नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम निकाल लोगे, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम आ जाएगा, जैसे एम आ गया मतलब एम वन आ गया और एम टू आ गया। तो अगर दो लाइन के स्लोप पता है तो उनके बीच का एंगल मॉड ऑफ एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, इससे भी एंगल आ जाएगा क्योंकि एंगल टू थीटा है, इसलिए टू थीटा लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है भाई? हमें स्लोप चाहिए, अगर हम इन दोनों लाइन के स्लोप निकाल लें तो स्लोप निकालने का तरीका वही था जो हम अभी तक स्लोप, आप डायरेक्ट स्लोप फॉर्म का भी यूज कर सकते थे, उसमें पॉइंट पुट करके और फिर एम निकाल के और फिर बता सकते थे। समझ में आ रहा है? बाकी ये आसान है, ठीक है, आसान सब याद रहे, उठा के कभी बुक देखो तो समझ में आएगा बिल्कुल। देन थर्ड, थर्ड क्या है? लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब कॉर्ड की लेंथ निकालें कैसे, सोचो थोड़ा, कॉर्ड की लेंथ कैसे निकलेगी? हाँ हाँ बोलो, किसी और कुछ ए और बी निकालने कैसे निकालेंगे? ए और बी बता, रद्दी मेथड का हुआ, जब पता ही नहीं है तो मेथड रद्दी नहीं हुआ। हाँ एक क्या बोल रहा, पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, अच्छा ठीक है, कैसे आ जाएगी ए बी की इक्वेशन, कैसे आ जाएगी टेंजेंट से? ओ ए की इक्वेशन आ जाएगी, हाँ ठीक है चल मान लिया, ठीक है ठीक है, वो ही नहीं है, तूने तूने बताया नहीं, उसने बताया है, बोल देना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि हम तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं भाई, स्लोप आई गया हमारे पास, स्लोप पॉइंट फॉर्म है, उससे हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली, फिर उसके परपेंडिकुलर जो इससे जारी होगी ओ से, उससे स्लोप फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन आ गई, इन दोनों से सॉल्व करके ए आ गया, ऐसे ही बी आ जाएगा, ए और बी आ गया, डिस्टेंस फॉर्म लगा देंगे, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्लोप नहीं आएगा बेटा उससे, हाँ हाँ, लेकिन फिर उसमें और झंझट हो गया इसका, तूने फिर पॉइंट क्यों निकाला ये? अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, उसके परपेंडिकुलर स्लोप निकालेंगे, फिर पॉइंट निकालेंगे, फिर लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, और फिर लाइन की इक्वेशन को सर्कल में रख के फिर पॉइंट निकालेंगे, तो पॉइंट निकल चुका है पहले से, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट निकाल देते हैं। हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड नहीं चाहिए, हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए। बताओ कुछ, लगाओ दिमाग, रूट एस वन साइन थीटा, ये बना सकते हैं, देखो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा बोल रहा है तो ऐसे बना लेते हैं कि ये अगर रूट एस वन है, इधर देख ले, इधर इधर देख ले, इधर देख ले, ठीक है, इतना ज्ञान अगर किताबों में पढ़ के आ रहा होता तो तुम यहां पे क्यों बैठे होते? ये वाले ट्राइंगल की बजाय हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, और हम ये वाला भी ले सकते हैं जैसा आप चाहें, ठीक है। अगर हमने ये वाला ट्राइंगल लिया तो ये अगर आर होता, ये थीटा होता, तो ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा होता,
तो अब हम ये निकाल तो थीटा हम निकाल ही चुके हैं, कैसे निकालना है मैंने बता दिया, ठीक है। अब थीटा निकल चुका है, रूट एस वन है, तो हम कहेंगे अगर इसको हम सी बोल दें तो बी सी लाइन क्या हो गई, इट इज रूट एस वन साइन थीटा, है ना, आर साइन थीटा होता है ना। अगर ये आर होता और इस ट्राइंगल में ये आर साइन थीटा होता, ये आर कॉस थीटा होता, ठीक है। तो आर साइन थीटा और ट्वाइस कर दिया, टू ट्वाइस ऑफ बी सी क्या होगा, ए बी, तो टू रूट एस वन साइन थीटा, ये आ गया आंसर, ठीक है। क्या अब गंदा और अच्छे से क्या मतलब है, आंसर आंसर होता है, मैं क्या मतलब है, तो टेन थीटा में गंदा सा टर्म भी आया तो साइन थीटा तो निकाल ही सकता है ना उससे, वो परपेंडिकुलर वो बेस है, उससे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस निकाल ही देंगे ना, वो तो पुट कर ही सकते हैं, ये तो अच्छा है। हाँ टेन यहाँ से टेन टू थीटा निकालने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत है। अच्छा फोर्थ क्या है, ये समझ में आया, बस खत्म है, इतना ही कुछ नहीं। और ये सोच सकते थे कि ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, और ये रेडियस आर हो गई, रेडियस है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो गया, हाँ वही 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 वाली बात कर रहे हैं अपन कि ये थीटा था, ये 90 था, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा बड़े ट्राइंगल में। अब ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा। अब अगर ये थीटा है तो इस ट्राइंगल में ये आर है, तो ये आर कॉस थीटा एंड दिस इज आर साइन थीटा, तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, और उसका ट्वाइस कर लेंगे, है ये जो समझ में आ जाए और जो याद रह जाए, ठीक है। अच्छा दूसरा एरिया, अब एरिया कैसे निकालें भाई बताओ, अरे कुछ नहीं लगाएंगे, तू कोऑर्डिनेट के पीछे क्यों पड़ा है, कोऑर्डिनेट क्यों निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने आसान है क्या, कोऑर्डिनेट ए निकालना कितना मुश्किल है, तूने जो बोला है उसे करके देख पहले, कि तू पहले स्लो फॉर्म लगाएगा, उसमें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर करेगा, उससे एम की दो वैल्यू आएंगी, उन दोनों वैल्यू से स्लोप और पॉइंट लगा के टेंजेंट की इक्वेशन निकालेगा, फिर उसके परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालेगा, फिर उनसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेगा, इज नॉट ईजी, उतनी देर में पूरे ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे देगा कोई भी, वाई वी डू दिस, इसलिए तो बता रहा हूँ ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं चल रही, ये ज्योमेट्री चल रही है, हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं थोड़ी सी और ज्योमेट्री लगा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है कोऑर्डिनेट एक्सेस दिखाना, कहाँ दिखा रहे हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सेस, हमने एक्स वन वाई वन का कितना यूज़ किया है, केवल रूट एस वन निकालने के लिए, और कहीं कोई यूज़ नहीं है, अरे ठीक है ना, तो बताओ बिना इसके यूज़ के बताओ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी हाफ, अरे यार हाफ, हाँ बोल, हाँ ए बी है रूट एस वन कॉस थीटा, हाँ भाई ये लेंथ हम निकाल ही चुके हैं, और अगर ये आर थी तो ये आर साइन थीटा था, ये आर कॉस थीटा था, तो ये लेंथ आर कॉस थीटा थी, तो ये ठीक है, हाफ ऑफ बिल्कुल सही है, सभी लोग सही बोल रहे थे, ए बी इंटू रूट एस वन कॉस थीटा, है ना, क्या चीज, तो ए बी है ना, लिख क्यों रहा हूं, निकाल चुके हैं इसलिए, अब लिखूंगा ना, अभी हाल में डायरेक्ट लिख देता फिर कहते ये कैसे आ गया, फिर मैं कहता वो ए बी निकाली थी ना, सभी में समस्या है, अब पुट करते हैं, तो टू रूट एस वन साइन थीटा रूट एस वन कॉस थीटा, तो देखो टू से टू कैंसिल मत करना, टू साइन थीटा कॉस थीटा हो गया साइन टू थीटा, तो हाफ ऑफ एस वन साइन टू थीटा। अब ये बेसिकली ये जो लगाया ना हमने, ये डायरेक्ट भी लग सकता था, कैसे, हमेशा याद रखना कि कोई भी अगर ट्राइंगल दिया है, कोई भी ट्राइंगल हमें दिया है, मान लो ये ए बी सी कोई भी ट्राइंगल, नॉट नेसेसरी आइसोसेलेस हो, ठीक है,
ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हमें दिया है जिसकी जिसके ए के अपोजिट लेंथ ए है, बी के अपोजिट बी है, सी के अपोजिट सी है। अब इसका कोई भी एक एंगल अगर हमें दिया हुआ है, मान लो ए दिया हुआ है, ए हमें पता है एंगल, तो एरिया होगा हाफ ऑफ ये एंगल के करस्पॉन्डिंग जो साइड है, जो अटैच एडजेसेंट साइड है वो लेंगे, मतलब बी सी और साइन ए, ये एरिया होता है। तो अब हमें साइन टू डीटा पता ही है, अरे एंगल हमें पता है और ये दोनों लेंथ भी पता है, ये भी रूट एस वन, ये भी रूट एस वन, तो हाफ ऑफ रूट एस वन इंटू रूट एस वन साइन टू डीटा वही आ रहा है, निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब अगर तुम्हें वो समझ में आया है तो तुम इस ट्राइंगल का एरिया कभी भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये कितना है 180 माइनस टू डीटा और ये दोनों रेडियस है, तो हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन 180 माइनस टू डीटा इज साइन टू डीटा। तो अगर हमसे एरिया पूछ लेता, पूछा नहीं है लेकिन मान लो हमसे पूछ लेता कि सिक्स नंबर बोल देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता ओ ए बी, तो इट इज हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन टू थीटा, समझ आ रहा है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर बच गया, अरे वही दो साइड और उनके बीच के एंगल का साइन, तो हाफ ऑफ आर इंटू आर साइन 180 माइनस टू थीटा हो जाएगा ना, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो टोटल एंगल कितना हो गया 180 माइनस टू थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वही आ गया, तो 1 बाई टू आर स्क्वायर साइन टू, ठीक है। हाँ भाई ये पहले लिख लें, फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे, ये तो हाइपोटेन्यूस होगा ना बच्चे, बेस होगा रूट एस वन, ये टेढ़ा बनाया रूट एस वन और आर, हाफ रूट एस वन इंटू आर, और ये ट्राइंगल का ट्वाइस कर देंगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। हाँ रूट एस वन इंटू आर, ठीक है बढ़िया। एक आखिरी चीज जो बची है, ये लिख लिया ना, ये तो लिख लिया, हाँ डायग्राम नहीं हटा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फाइव ले रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल पी ए बी या पासेस थ्रू द पॉइंट पी ए बी, कैसे निकलता है उसको सीखते हैं। यहाँ पे बनाऊं छोटा तो बना देते हैं, क्योंकि इतना सब चाहिए नहीं ना इसमें, जरा देखने में आसान होगा। पी ए और बी, ठीक है, ये सेंटर था ओ, ये परपेंडिकुलर डाला हुआ था। अब फिनोमेना ये है, कैसे है वो भी बताऊंगा, कि जो भी इधर देख लो पहले, फिर बाद में लिख लेना, बना लेना, सब कर लेना, इधर देख लो, जो भी सर्कल पी ए और बी से पास होता है वो उस सर्कल के, जो सर्कल पे टेंजेंट डली है उसके सेंटर से भी पास होता है। आई विल प्रूव, देखो मान लेते हैं ऐसा नहीं होता है, कॉन्ट्रडिक्शन लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है, मान लेते हैं कि, तो फिर हम पहले क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट से होके जाने वाला सर्कल निकालते हैं। तो जैसे ही मैंने इन तीनों पॉइंट से सर्कल निकाला और इन तीनों पॉइंट से सर्कल निकालते हैं, मान लेते हैं वो अलग अलग आएंगे। मैं रिपीट करता हूं, हमें, मैंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इन चारों से होके एक ही सर्कल जाता है। इसने पूछा हाउ, तो मैंने कहा मान लेते हैं अलग अलग जाता है, मतलब इन तीनों पॉइंट से होके जो सर्कल जाएगा वो इन तीनों पॉइंट से होके नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ पी ए ओ और पी बी ओ का अलग अलग सर्कल होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं, तो सुनना जरा ध्यान से। अगर मैंने पी ए ओ लिया, उससे जो सर्कल बन रहा है
उसके ये यहां पे 90 बना रहा है, उसके लिए ओपी क्या होगी, डायमीटर हो गई, ठीक है। और पी बी ओ लिया मैंने, इसमें यहां पे 90 बन रहा है, तो उसके लिए भी ओपी क्या हो गई, डायमीटर, और सेम डायमीटर पे एक ही सर्कल बनता है। ऐसा आज तक हुआ ही नहीं कि डायमीटर में सेम फिक्स ले रहा हूं एक ही और उस पर तुम पांच सर्कल बना दो, बनेगा ही नहीं, एक ही सर्कल बनेगा। समझ में आया? तो मतलब एक ही सर्कल बनता है। अब इसका फायदा है क्या, ये महाबकवास क्वेश्चन हो गया, ये माइनस जी माइनस एफ, ये एक्स वन वाई वन, ये डायमीटर हो गई क्योंकि 90 बना रहा है, तो डायमेट्रिक फॉर्म एक्स माइनस एक्स वन एक्स प्लस जी वाई माइनस वाई वन वाई प्लस एफ इंटू वाई। चमक रहा है, ठीक है ना, लिख लें, एक क्वेश्चन लो मस्त बनाओ फिर खुद से। टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम पी 0, -2 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x-4y इक्वल टू 0। फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पी ए बी, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी ए सी बी, सी ए सेंटर ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी एंगल बिटवीन पी ए एंड पी बी। अब इसमें से कौन सा आप पहले निकालना चाहिए, मेरे ख्याल से एंगल सबसे पहले निकालना चाहिए, भले ही उसने कुछ भी पूछा हो, ठीक है, एंगल निकालना सबसे आसान है, एंगल निकल गया सब निकल जाएगा, बनाए आराम से। बनाओ बनाओ जल्दी, कोई बात है नहीं, थीटा रूट एस वन निकालो फटाफट, रूट एस वन पॉइंट, अरे बात नहीं, पॉइंट पुट किया तो ये 4+8 12, रूट 12 आ गया है ना, और रेडियस आ जाएगी 1, 2√5, ठीक है। हमने टेन थीटा निकाल लिया, टेन थीटा इज √5/√12, तो अब टेन टू थीटा चाहिए होगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 पहले बना रहे हैं, क्या होगा 2 tan θ / 1 - tan²θ, तो ये हो जाएगा 2√5/√12 और बाय 7/√12 का स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख देता हूँ तो एक कट जाएगा बेचारा जो ऊपर चला गया, तो रूट 12 को ले देंगे 2√3, तो ये हो गया 4√15/7, ये आ गया 10, और फिर इन्वर्स ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, टेन थीटा विल बी टेन इनवर्स 2θ will be tan inverse 4√15/7, एग्री, ठीक है। देन अब आ जाओ, ये तो निकल जाएगी बकवास है क्वेश्चन, लेंथ ऑफ कॉर्ड आ जाओ क्या, ये वाला केस ये भी से होके जाने वाला सर्कल, हाँ ये फिफ्थ निकाला एंगल, सबसे आसान वही है पहले फॉर्मूला है,
पॉइंट बाहर है तो चेक करना मेरे कहने पे क्यों आ रहा है, तो बाहर आएगा तभी टेंजेंट डालेंगी। टेंजेंट क्या डालेगा, अंदर से डाल देते टेंजेंट। क्या हो गया, बैटरी खत्म हो गई तुम्हारी, ढाई ढाई की जगह 2.5 तक की बैटरी तो रखा करो। हाँ, देन लेंथ ऑफ कॉर्ड। हाँ भाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड सीखी थी ये, तो ये थीटा, तो ये लेंथ होगी कितनी, ये आर, तो इट इज आर साइन थीटा, तो रूट एस वन साइन थीटा का ट्वाइस है ना, तो लेंथ ए बी इज ट्वाइस ऑफ रूट एस वन साइन थीटा, ठीक है ना। अब रूट एस वन कितना था, रूट एस वन रूट ट्वेल्व, और साइन थीटा टेन थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो अंडर रूट ऑफ 12 माइनस 5, तो ये आ गया है 2 रूट 60 बाय रूट 7, ये लेंथ है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है ठाकुर? कुछ भी आ सकता है, ऊट पटांग नहीं है। अबे मार्क्स हैं, कितने मार्क्स का होता है, समझ रहा है तू? यही अभी पैसेज बन के आ गया, तो दो क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के, बहुत बड़ी बात है। पैसेज में दो क्वेश्चन आते हैं, तीन तीन, हाँ मैंने सारे एक साथ ले लिया है, लेकिन पैसेज में आते हैं जनरली। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया और इसका ट्वाइस, हाँ ठीक है, हाफ ट्वाइस ऑफ हाफ इंटू बेस, बेस इज रूट एस वन और रेडियस परपेंडिकुलर इज आर, तो बस टू टू कट गया, तो रूट एस वन रूट ट्वेल्व इंटू रूट फाइव, सो इट इज रूट 60 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया तुम लोगों ने बताया था क्या होगा, हाफ ऑफ इसी से ले लें, रूट ट्वेल्व इंटू रूट ट्वेल्व और साइन टू थीटा, हाँ अरे टेन टू थीटा निकाल चुके ना, ये रखा है, इंतजार कर रहा है कब निकालोगे तुम, तो ये हो गया ट्वेल्व, ट्वेल्व बाय सिक्स साइन टू थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो सेम बाय हाइपोटेनियस, तो 49। अरे यार मैंने ये गलती कर दी, ये यहाँ पर गलती हो गई, ये प्लस होगा 17 होगा है ना, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर होगा ना, और ये भी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो गया 16 इंटू 15, 15 चौक 60, 240, तो ये हो गया 2, 6 टू जा, ये 2 इंटू 4 रूट 5 बाय 49 प्लस 240, क्या 6 नहीं होगा, ये डिवाइड बाय 2 होगा, तो ये 6 है ना, तो ये 24 हो गया 24, और ये कितना हो गया रूट अंडर 289 कितना, कुछ रूट होता है 17, तो 24 रूट 5 बाय 17 एरिया, ये समझ में आ रहा है ठीक है, हाँ बहुत टाइम दिया है इसमें, ठीक है भाई लिख लीजिएगा और होमवर्क करके आइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। सीपीपी 2 और सीपीपी 3 पूरा करना है, सीपीपी 3 में कोई गुंजाइश नहीं है, सीपीपी 2 10 तक दी थी, 5 और बचे हैं, 5 नहीं 6 बचे हैं शायद, तो 6 कर लेना ठीक है, ओके थैंक यू।